मजेदार पंजाबी वीडियोस दे लई साडे रेड एफएम यूट्यूब पंजाबी चैनल नु सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ते हर नोटिफिकेशन पाओ। रियल लव जिनु प्यार मेरी हिसाब नाल आता ओ बंद मैं तो स्कूल टाइम च कीता, उस तो बाद नहीं कीता। अच्छा, मुझे मेरी मम्मी से चपेट बजती रही है। हां, एक दो भी नहीं, बहुत सारी बचती रही है। हाँ। नंबर मिल जाए ऐसे ना मेनू, मैं खुले हम नंबर वन के से थप्पड़ सैंडल सैंडल आस्क हर अबाउट रोज बहुत तंग तो ऐसे थप्पड़ मारे उसको। पर गुरनाम को थप्पड़ से डर नहीं लगता, गुरनाम को प्यार से लगता। ओए होए होए कड़क लौंडे आपके साथ है, बंदे का नाम है अमर, साथ में अजी कड़क करण एंड साडे नाल ने द टायर किलर गुरनाम एंड WWE गोल्डन स्लैब बेल्ट टायर किलर पाजी, मतलब ट्रेलर दे विच बड़े तुसी टायर पुस कितने ने पंचर कितने ने WWF I know why वो थप्पड़ वाला सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था पाजी। वो जड़ा सीन सी स्पेशली पहला सी जड़ा अपना देखते हैं टायर पंचर वाला, मतलब ये एक्चुअली कुछ वैसे थॉट सी कि डायरेक्टर साहब के दिमाग दे विच ऐसी स्कूल टाइम जिवें आपां कहंदे वधिया नंबर ने साइकलां ते पंचरे लाउणे ने, सो उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल चीज सारी हां जी स्टोरी दा क्रेडिट ला स्टोरी स्क्रीन प्ले साडे राइटर साहब दीपदीप सिद्धू ए उन्हां दा आईडिया। बट लेट्स टॉक अबाउट द थप्पड़। यस, वो 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो का जो हाथ था। Yeah. मतलब कितनी बार मजे में शौंक में जानबूझ के आपने कितनी बार यू नो मिस्टेक करके रीटेक किए कि भाई इनके थप्पड़ और मारने का। मेरी तो बहुत प्लानिंग थी पूरी कास्ट के साथ। पर गुरनाम को थप्पड़ से डर नहीं लगता, गुरनाम को प्यार से लगता। ओए होए होए क्या बात है। मैंने बोला थप्पड़ मारने का तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो प्यार से हाथ लगा दी। क्या बात है। तो फिर मैंने प्यार से एक बार ही हाथ लगाया तो फिर वो ऐसे गिर गए। क्या बात है पाजी। मतलब इस दे विच ऑब्वियस जो चीज है कि थोड़ा वेट तुसी पुट ऑन करदे हो जदों मैच्योर चाहे देन तुसी बचपन वाला, सो इट पूरे प्रॉपर प्रोसेस नु किन्ना टाइम लगा, किन्ने टाइम च बढ़ाया किन्ने टाइम च घटाया, साडे वर्गे दे काम अजे निकल। तान्या स्कूल डेज याद आए वापस, मतलब जब मूवी की शूट चल रही थी स्कूल के कपड़ों में घूम रहे हो, कोई हरकत भी की होगी जरूर सेट पे यार, ऐसे यार बच्ची तो बनी गई हो अब इसमें। ये बेंच पे तो लिखा है तानिया और स्टार दिल बना के कुछ तीर जमा के फ्लेम्स खेल दे। बेंच पे तो कुरेदे है लिखा नहीं कुरेदे है पहले। ओके, एथे भी स्कूल टाइम थे भी मैं तो बेंच बहुत खराब की थे, कुरेद कुरेद के पेन दे नाल अपने इनिशियल्स लिख दन सी टीटी ते हर बेंच ते ऑलमोस्ट लिखा टीटी टीटी, मतलब टी ते हर बेंच ते लिखा हुंदा सी, फिर पिछले बेंच ते नाना पिछले पिछले पिछले। क्या बात है। नहीं बट एक्चुअली मतलब तानिया मैं सीरियसली पूछना चाहना है, जब तुसी एक्चुअली स्कूल टाइम ते सीगे सच्ची सच्ची दस्सो मुंडे ने नंबर लैन वास्ते तुहाडा की ट्रिक्स तुहाडे करदे सीगे कि कोई जिवें कुछ वी स्लैम कीड़े कीड़े पैंतरे यूज कीते हो तानिया दा नंबर। नंबर मिल जाए ऐसे ना मैनू, मैं खुले आम नंबर वन दे सी अपने मम्मी दा। अच्छा, सो जदो मैं स्कूल च सी ना उदो फोन नहीं सी मेरे कोल, राइट, ते मैनू हुंदा सी वी यार हुन जे किसी ने पूछ ही लिया क्यों दिल तोड़ना, लिख देने नंबर आप पे फोन करो प्रशादे शक लो। अच्छा, ते मम्मी नु ना एक बारी पता लग गया वी ये खुले आम नंबर मेरा लिखांगे, एक कॉल आ रही है दो कॉल आ रही है, मम्मी गॉट इट, मम्मी कहंदे आर यू डूइंग समथिंग, नहीं हां तेरी डायरी ते मेरा नंबर लिखा है। बहुत सारे रील्स भी बन रहे ने, सपोज फॉर एग्जांपल एक रोल प्ले, एक और
कि यू आर अ यूट्यूबर जो रील्स बनाते हैं ना आजकल YouTube पे. हाँ, सो फॉर अ मिनट हियर आप एक यूट्यूबर हो जो तीन स्टेप में बता रहे हैं करारा थप्पड़ कैसे मारना चाहिए, तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? जिन्हें बंदा चक्कर खा के गिर जाए बढ़िया स्ट्रांग थप्पड़ की निशानी. तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि करारा थप्पड़ कैसे मारा जाता है. चलिए शुरू करते हैं ऐसे करके, मतलब कुछ भी आपका स्टाइल. हाय गाइस, दिस इज तान्या, वेलकम टू माय YouTube चैनल. सो गाइस, आई एम गोना टेल एवरीबॉडी कि आज आप किसी बद्दे को थप्पड़ कैसे मारे, किसी भी जीव जंतु बोतल मार के दिखा, किसी भी चीज को थप्पड़ कैसे मारे. पर थप्पड़ वो होता है जो जोर से बजे. सो यू हैव टू फर्स्ट स्टेप नो द मेंटालिटी ऑफ अनदर पर्सन. उसको फोर्स जोर से बजेगी, किसको प्यार जोर से बजेगा. सो जो भी जोर से बजे दैट इज काउंटेड एज थप्पड़ गाइस. क्या बात है. सो अभी आप अगला बंदा देखें, अगर अगला बंदा आपके साथ प्यार में है तो आप उसको थप्पड़ मारे ऐसे, वो तो भी गिर जाएगा. और अगला बंदा ज्यादा चूं छू कर रहा है और आपको बहुत तंग करता तो ऐसे थप्पड़ मारे उसको. और ये क्या थप्पड़, और ये हो गई. लेख है, सो लेख मीन्स एसे एज वेल, यू नो. सो सोचे की स्कूल डेज वाली मूवी है, मूवी का नाम लेख है, तो क्यों ना कोई लेख आपसे लिखवाया जाए. टॉपिक हम देंगे और उस पर तीन चार लाइन का सेंटेंस का लेख आपने बनाना है. तो फर्स्ट गुरनामपा जी, माय फेवरेट अंडरवियर, इधर तो तुसी लेख बनाना है. अच्छा तान्या, माय फर्स्ट चपेड़, एक दो भी नहीं बहुत सारी बचती रही है. कुछ खाना ढंग से नहीं खाया दो भी चपेट. कुछ घर पे उल्टा सीधा कर दिया तो बोलना तो है नहीं, वार्निंग नहीं, चपेट. आप पीछे से समझ लो की क्यों बजी तो वो समझ लो, नहीं तो यू अगर यू विल गो एंड आस्क मम्मी क्यों तो दूसरी भी चपेट. तो माय पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स गाइस. सो चपेड़े, फिर आए वो दिन जब मैं स्कूल में गई और मुझे चपेड़े मारने का मौका मिला. तो फिर मुझे लगा मम्मी मुझे ऐसे मारते थे, अब मैं मारूंगी. क्या बात है. तो फिर मैंने एक दो लड़के जो मुझे ज्यादा स्कूल में तंग करते थे, फिर मैंने उसको जोर जोर से चपेड़े लगाए. फिर मैंने देखा कि जो जो थोड़े अच्छे लड़के हैं होमवर्क नहीं किया उनको थोड़ी धीरे धीरे लगाई. दिस इज द जर्नी ऑफ चपेड़. और जैसे मैं दंदी बहुत टिका के बढ़ती हूँ, एक और चीज थी, मेरा फोन बंद हो गया. दंदी बहुत टिका के बढ़ दिया, उधर मैं चपेड़ भी बहुत टिका के लानी है. सो वो चपेड़ लगी है लेख. क्या बात. जानने के दिल जानने के लिए देखिए लेख 1 अप्रैल को थोड़े नेड़े सिनेमा कराची. यस, दो दो नेड़े सिनेमा भी लगी, दूर दूर जाके भी देखो, कोई दिक्कत नहीं. देखो बस जाके देख लो, मैं भी लगा दूंगा इस. बहुत बढ़िया. और नाम पाजी, माय फेवरेट बोतल. माय फेवरेट बॉटल इज वाटर बॉटल. अच्छा ओके, ठीक है मान लेते हैं. हां, तो मैं पूरा दिन हाइड्रेटेड रख दिया. मैं कई बार सफर च भी हूं, मेरी हेल्प करती है. एंड मेरी स्टेज से बहुत हेल्प करती है. मुझे रोजेस बहुत पसंद है. और
मुझे रोजेज मिले भी बहुत है लाइफ में, कभी कभी सिंगल सिंगल मिले, कभी कभी बुके बुके मिले. फिर जब मुझे मेडल मिलता होता था साथ में, फिर भी रोजेज मिलते होते थे. सो हर तरह के रोजेज मिले, येलो पिंक. एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि रोज की बात हो गई है. हाँ, और फिर वैलेंटाइंस के 5-6 दिन तो ऐसे लगता था ये रोज तो रोज की बात है. वाह. सो ऐसे चलता रहा मेरी जिंदगी में रोजों का किस्सा. अब पाजी को फंसाने की बात. पाजी ए वाला था माय फेवरेट ब्राउजर हिस्ट्री. चार्जर लगा दो. ब्राउजर हिस्ट्री मतलब ब्राउजर हिस्ट्री तो तुसी लेख लिखना है तोड़े ब्राउजर हिस्ट्री के बारे, ब्राउजर की जड़ी हिस्ट्री है जो कि ऐसी यूजुअली डिलीट भी कर देते हैं. उस फिल्म नू मैं हजारां वारी वेख्या. कई साल ओ मूवी मेरे लैपटॉप दे डेस्कटॉप ते मैं रख ली सी. क्या बात है. एवें ओदे सीन देखदा रहंदा. फिल्म नाल मैनूं बहुत मेरियां यादां जुड़ियां ने. मैं जदों फिल्म आई सी आई थिंक मैं 10th क्लास सी. राइट. तां फिर ओदों मैं जिवें ओ फिल्म नू देख के मैं रियाज़ करदा हुंदा सी यार. क्या बात है. इंस्पिरेशन उस मूवी से मिली. मैनूं बहुत मेरे करियर च उस फिल्म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कीता. और हर किसी का रोमांस बड़ा इंटरेस्टिंग चीजा भी मैं अभी भी याद है. मैं एक बार पता नहीं क्यों एक कुड़ी सी क्लास पसंद थी फुल वाला तो पूछे नहीं ब्रेड पकौड़ा ऑफर करता मैं खाएंगे कि नहीं. उस टाइम तो बड़ा क्यूट लगा. सो मतलब कोई यही जी स्कूल रोमांस दे कोई यही जी इंटरेस्टिंग जी हूँ थोड़ा लगता बड़ी स्टूपिड जी चीज की थी. एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन टू यू आल्सो. मैं तो बहुत स्टूपिड चीज की थी कि मैं एक्चुअली मैनू लगता है मैं हर इंटरव्यू वैसे दस चुका हां कि जेड़ा रियल लव जिन्हू प्यार मेरी हिसाब नाल था वो मैं तो स्कूल टाइम च कीता उस तो बाद नहीं कीता. अच्छा. और मेरी स्टूपिड चीज है कि मैं उस कुड़ी नू कभी प्रपोज ही नहीं किया. अच्छा. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਯਾਰ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ. ਕਿਆ ਬਾਤ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਮ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇਗੇ. बड़ी स्वीट चीज हूं सुन के हसांदा वी की किता सी किसे ने या तुसी किता होवे. मैं ना डांस दी प्रैक्टिस ली 1 घंटा सवेरे अर्ली स्कूल जांदी सी, 1 घंटा लेट स्कूल तो निकलदी सी बिकॉज़ मैं डांस रूम च प्रैक्टिस करदी सी अपने क्लासिकल डांस दी. सो ओ एक मुंडे नु पता सी वी इह छेती आंदी है सवेरे स्कूल. ओ रोज जल्दी आना स्टार्ट हो गया एंड रोज मेरे टेबल ते एक रैप करके गिफ्ट पया हुंदा सी. गिफ्ट आया नी. आंटी मेनू कहिंदी बाऊ मेनू लगदा वी मुंडा आंदा नी पिया, फोन करके पुछी ठीक है. I was like amazed कि मेनू नहीं सी पता भी रोज नवा गिफ्ट आ रहा है तो रोज आंटी ले जा रही है. मेनू लगता सी भी वही चीज ले आके रोज रख दंदा उथे. मेनू उदो पता लगा कि ये कंटीन्यूअसली रोज ले आ रहा है. ओनू लग रहा है मैं ले रही हूं, मेनू लग रहा है वो सेम ले आ रहा है विचो आंटी अपना पता लग गया. आंटी अद्धे रेट च बेच रही है बाहर स्कूल दे बाहर भी आसमान. एक मैसेज टू ऑल द फैंस आउट देयर बनता है कि भाई 1 अप्रैल को ये मूवी आ रही है जाके देखो. और इसके अलावा क्या ऐड ऑन देना चाहेंगे या कोई एक अंदर की बात जो अभी तक ट्रेलर में नहीं निकल के आई जो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई होने वाला है. मैं बताती हूँ अंदर की बात ये है कि हमारे फिल्म में अ सुपरस्टार इज कमिंग. क्या बात है. तो जानने के लिए देखिए. यस. जानने के लिए देखिए लेक रिलीजिंग ऑन 1st of April इन सिनेमा. मुझे आइडिया मिल गया ही कौन हो सकता है. मैं बताने नहीं वाला. तानिया दसना थोड़ी मुझे आइडिया मिल गया. अब ट्रेलर में ही इसके वो दिए हुए हैं थोड़े से.
अक्ष दिए हैं ट्रेलर में, क्या दिया उसमें? मतलब थोड़ा सा पाजी के लुक के बारे में बात हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आने वाले इस मूवी में। आपको जो भी लगता है थिएटर में जाकर देखो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। लेक मूवी कमिंग आउट 1 अप्रैल। थैंक यू गाइस, बाय। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।